हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय मिनी ब्लॉग। और आज हो रही है हमारे यहाँ मस्त वाली बारिश, और बारिश हो रही हो और हम पकौड़े ना बनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जल्दी से फटाक से किचन में गई और मैंने सबसे पहले निकाला है यहाँ पे बेसन, उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे हरी मिर्च विथ अनियन और पटैटो, क्योंकि कम लोग हैं तो मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखूँगी। यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं, अब इनको मैं बारीक बारीक चॉप कर दूँगी, क्योंकि पकौड़े जो बारीक बारीक के होते हैं ना, कट करके बनाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये मुझे अनु ने सिखाया था, क्योंकि वो सेफ़ है तो उनको आइडिया है। तो और लिटरेली ऐसे अगर आप लोग ऐसा आइडिया बनाओ फॉलो करोगे ना मेरा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, कभी ट्राई करना घर पे। और यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर लिया है। अब इन सबको मैं एक साथ बेसन में मिला दूँगी, बेसन मैं ऑलरेडी पहले घोल चुकी हूँ और ये सब मैंने इसमें मिला दिए हैं। सारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, जो जो मसाले आप लोग खाते हैं मसाले ऐड कर सकते हैं इसमें। और ग्रीन चिली भी मैंने साथ में की हुई है, क्योंकि हर्षु भी खाता है तो मैंने ग्रीन चिली कम यूज़ करी है इसमें। यहाँ पर तेल बॉइल्ड हो चुका है और अब मैं वन बाई वन सारे पकौड़े इसमें डालूँगी, मतलब फ्राई करूँगी। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। और इस साइड में रख दिया है मैंने मोमोज की चटनी बनाने के लिए। और यहाँ पर मेरे पकोड़े तैयार हो रहे हैं, मेरे नहीं मतलब बेसन के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। और आप लोगों को खाना है तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से सब कुछ कर रही हूँ मैं। एक तीन चूल्हे हैं तो तीनों में मैंने सब कुछ रखा हुआ है, और गर्मी से हालत ख़राब हो रखी है। यहाँ पर मोमोज की चटनी भी, चाय के बिना तो मज़ा ही किरकिरा है, तो चाय भी बन चुकी है। ये है मेरी मोमोज की चटनी, जो कि लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है। अब देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। और मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को कि अनु लेट हो गए हैं आज, नहीं तो जल्दी आ जाते हैं, बट आज पता नहीं क्यों जिस दिन मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ ना उस दिन ही वो लेट होते हैं। बट चलिए कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं उनका। और यहाँ पर अनु आ चुके थे तो मैं चाय वाय सब कुछ सर्व कर रही हूँ उनको, देखते हैं सर का रिएक्शन क्या होता है। वैसे तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है उनके रिएक्शन से, क्योंकि देते ही नहीं है यार वो रिएक्शन कितना भी कर लो। ये सभी आदमियों की आदत होती है या मेरे ही आदमी की आदत है मुझे नहीं पता, और देखना इनका रिएक्शन, देखना गंदा रिएक्शन देंगे ना ये, अभी देखना। हाँ जल्दी बताओ कैसे हो रहे। तो गाइस, इनका कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इतनी गर्मी में मरने के बाद भी इन आदमियों को ना कभी खुशी मिल ही नहीं सकती है। इतनी अच्छी मैंने चटनी बनाई है इतनी मेहनत करके, फिर भी कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया इन्होंने, तारीफ बिल्कुल भी नहीं करी है। तो चलिए हम ही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने बनाया है तो हम खुद को ही कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। और यहाँ पर मैंने ट्राई किया और सच में लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, क्योंकि सो गाइस चलिए अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने इंजॉय किया होगा। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। बाय बाय।